सदर इजलास और महफिल में मौजूद हमारे तमाम मुहाज़िज़ीन, बिलखसूस इस महफिल के अंदर हमारे उस्ताद मोहतरम भी मौजूद हैं और अजीज ते दोस्त भी सारे की खिदमत में खुलूस पर अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर इस त्यारे के नाल हवाले नाल मैं गल करना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान की औकात उतनी नहीं कि वो अपनी परवाज बड़ी ऊंची कर सके, जितना अल्लाह की जात किसी को जरफ दे रहा है या हिम्मत हो हौसला दे रहा है तो वो उतना ही कर सकता है, उससे बात को भूल नहीं सकता। हादसा से 3 साल पहले कल्चर अकेडमी के अंदर बाजाबता इस दिन को मनाने की एक कोशिश की थी और माशाल्लाह वो कोशिश कामयाब भी हुई। जो मकाला तुम सारे अब्दुल रशीद कुरैशी साहब को इस वक्त सुने, ये 3 साल पहले श्रीनगर के मुकाम तय पढ़े लिख गया आलम साहब के इसी दिन तक, और मैं अपनी तरफों 3 साल तक जिन्हें रस्ते कल्चर न जुड़े दे नौजवान फनकार हैं जिन्होंने हाथ फा खिदमत सामने आई उन्हें वास्ते एक अवार्ड यानी शाल एक और एक मूवमेंट मैं अपने जेब में 3 साल देना गया अपनी भूख और शौक न, हालांकि कल्चर अकेडमी को इस चीज़ की कमी ना सी, लेकिन हालात एक कुछ ऐसे बन गए कि अस बिल्कुल मुकीद हो गया अंदर रह गया और प्रोग्राम रह गया। तो अज सब ठीक आज मैं मुबारक देसा करना कल्चर क्लब के इन नौजवान फनकारों और जो बुजुर्ग वास्ते मौजूद हैं सरपरस्ती वास्ते इन्होंने तहे दिल नाल मुबारकबाद पेश कर सा कि इन्होंने अपने इस फर्ज को याद किया और अस सारे बैठे जमा होने की दावत दी। एक शेर याद आया गुलाम रबानी आवान साहब वास्ते एक बुजुर्ग बहुत अगर तारे बड़े खूबसूरत शायरा से कि शायर हजर के वासी हो करे न कुछ गिला, शहर हिजर के वासी हो करे हो न कुछ गिला, वो बल जे न आए तमें बीमार के करण। माड़ी मैं अपनी गल कर रहा कि माड़ी सेहत की खराबी की वजह नाल बहुत सारी जगह तमें ना पूछ सकता और अरसा 5 साल सी मैं अपने आप को नहीं संभाल सके, तो लिहाजा प्रोग्राम के अंदर जुड़ना और नाम शायद हालात भी हो गए तो सारे बहू भी जानते हो। दिन के हवाले नाल मैं गल करना चाहता कि एंटरटेनमेंट का मतलब नहीं देना गया तुझे उसने समाज की मैं तारीफ भी करता हूँ और तजीम करता, लेकिन आजान हो रही है और मुख्तसर जितने भी होता बेहतर है कि इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ही होना है, क्योंकि मैं एक ऐसे अदारे नाल मारा ताल्लुक है जिथा शुरा उदबा और फनकार अदीबों के चेहरे को मुकर करके पूरा साल एक प्रोग्राम मुख्तलिफ जाइए था पर उनके इलाके में जुड़कर या टैगोराग या जम्मू के किसी बड़े थिएटर के अंदर मनाए जाते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि हर साल नई नई चीज़ें प्रक्ष रख कर एक साल एक मकाला मतलब अमिल कफील रहमान साहब किसी का मकाला लिख सकते इनके अपना नजरिया उसी देखने का, दूसरा शख्स लिखता है उसका अपना नजरिया उसी देखने का, तो एक मदल चीज सामने आ जाती है अदबी तौर तक और नौजवान नशर को एक पैगाम देना होता है कि अस्ते अदीब शोरा सकाफत और कल्चर या जबान ना जुड़े लोगों सुन खिदमात के अंजाम देती है और असल सुन उसको कुथा पहचाना है या क्या करना है अपना काम तो करके चले गए। एक चीज याद आती है आलम कुरैशी साहब एक फनकारा से और सबसे बड़ी गल है कि वो एक ड्रामा आर्टिस्ट ऐसे अदाकार से किसी मुफक्कर सुन कितनी खूबसूरत गल आती है कि All the world is like a stage. स्टेज का असं सारे जानते हैं कि एक फनकार है उसका एक मुख्तसर वक्त होंगे जो उसको दिते गया है 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जितना अच्छा तरीके अपना किरदार निभा कर चला चलता है तो लोग तालियां बजे उस वास्ते और जो फनकार अपने उस मुकर्रर वक्त अपनी कारकर्दगी बेहतर साबित नहीं कर सकता तो उसको ना तालियां बजती हैं और उन्हें याद किया जाता है। जरा भी अदाकार अच्छी कारकर्दगी करके चला जाता है 2-2 साल 3-3 साल तक लोगों ने दिला का जो छाया रहा हो उसके डायलाग उसकी अदाकारी उसकी मजाक जरीफाना अंदाज इस सब चीज़ों लोगों ने जेन का छाया रहा है
और चूंकि अस इस चीज के विटनेस हैं कि जब भी कोई ड्रामा होगा तो उसके डायलॉग घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, समाज के अंदर हफ्ता हफ्ता, दस दिन दिन या साल तक भी चलते रहने। गीत जो भी गाया गया, गीत बड़ा आम मौजूद है। तो अज का जो मकसद है वो ये है कि हर फनकार जरा भी आगे दुनिया तो असं सारे आए अस्थि मार और अस्थि माऊ की जबान है। बड़े बड़े लोग देखे जो पुराने कपड़े सहम कर रखते हैं टेचिया के अंदर, बड़े बड़े लोग देखे जो वालदे खासकर वालदा के बूट पुराने टूलों तक भी सहम कर रखते हैं। तो इतना एक लम्बे फिक्री है कि फिर अगर असं जबान अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, तो माऊ की जबान की पूछना उसी पहले हम किस पूछना जी। कुरान के अंदर भी है कि हर कौम का नबी उतारा गया जिस जबान की किताब नबी है, जिस जी उस कौम की जबान है उसी बिच नबी उतारा गया और उसी जबान की किताब भी उतारी गई। क्योंकि मारू की जबान बिच तशहीर है जी किसी चीज की भी वो ज्यादा हो सकती है। इस वास्ते एक बड़ा अफसोस का मकाम है, इंसान देखता है कि छोटिया छोटिया मोहल्ले दी मस्जिदां ये लड़ाई वाले पिछले 10-15 साल से जा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं। मैं हमेशा बुजुर्गों का साथ चाहिए कि निकिया निकिया मोहल्ले दी मस्जिदां बिच एक उर्दू भी तकलीफ करते हैं, फन के उर्दू भी तकलीफ करने का। अंग्रेज मर गए लेकिन दूसरी जबान नहीं बोलता, अंग्रेजी बिच अपने घर भी बोलता है और वो लैटरिन के अंदर उसकी उठा भी अंग्रेजी बोलता हो, मस्जिद अपने गिरजाघर के अंदर उसकी उठा भी एक जबान बोलता है, लेकिन असं अपनी जबान छोड़ देंगे। आते जरूर तो अस करते रोते पहाड़ी वास्ते, मगर अंग्रेजी भी रोते हैं पहाड़ी, उर्दू भी रोते हैं पहाड़ी। इस चीजा का असंको गौर करना और इसका असंको हट के आना। इन्होंने लोगों का यही पैगाम है, क्योंकि 200 साल भी जिंदा रह नहीं सकता कि नचता रहो देखते रहो अस। अगर अभी इनके खदमा चूंकि एक मदद मकाला पढ़िया गया और बड़े सारे जो जुम्मा आए मकरीन उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज अपनी अपनी गलत रखी, तो मैं अगर बिच अपनी गल की इस तरह एक एक करके रखा तो फिर समा खराशी उसी और वक्त की कदर बड़ी जरूरी है। इस वक्त मैं ये आखना चाहता कि इन्होंने कारनामा किया सा कि करना से जड़ाई चिंगारी बढ़ती लसानी और सकाफती तारीख थी आज तो 50 साल पहले, शायद 48 साल हो गए 1970 से, है जी 51 साल जी 51 साल पहले जी गल तो लगी बर्मिंघम लंदन का प्रेस कर रुकी वो पाकिस्तान के अंदर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पहले भी एक दफा जिक्र किया है कि 200 पेज का सिलेबस है एनएफएल में और ये इससे जितने लोग हैं कोई जिंदगी कोई चले गुजर गए थे इन्हों का उठा पीएचडी हो रही है, लोग शिकार मतलब कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लगना से नौजवानों को पता नहीं रहता। इनकी खदमात का सिलसिला है कि पिछले 8 साल से किताबें इसमें 8 तक तैयार है, पिछले साल नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई 2020, तो आज उस पॉलिसी के तहत 5वीं तक सिलेबस राइज करना है किसी भी स्कूल या उस वाक्य में गल करें। पिछले साल जम्मू पीजी थर्ड सेमेस्टर में पहाड़ी राइज हो गई है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के अगले गए थे, या इस बी एड पोस्ट चलता है पिछले 5 साल से पहाड़ी उसके अंदर चलती है और इसी तरह कल के एस में जिस तरह पेपर आ रहे हैं ना, तो ये सारिया चीज़ें लाकर इस मैं अपने चाहता या जिस तरह हॉस्टलों की गल हुई, जिस तरह जनाब इसकी टीवी रेडियो दूरदर्शन की गल हुई, एक एंटरटेनमेंट वाली गल में पहले अर्ज की कि नहीं है ताड़ियों बजाई और मौजूद इंसान चला गया। असली रेडियो तो अगर गीत कोई सुन रहा उसका मतलब नहीं कलेशी साहब बड़ा हो गया, कलेशी साहब बड़े ही अपना ही उठा पहुंचे, लेकिन उसकी आवाज निकलकर जिस जिस जगह भी गए थे, 250 मुल्क है 250 के अंदर लाइव प्रोग्राम चल रहा था, किसी के जहन में तो गल गई नहीं भाई पहाड़ी भी है किसी जगह, किताबा ट्रकें छप आ रही है और 40-45 साल से छप आ रही है, एक ही करोड़ नहीं 2 करोड़ नहीं, सैलाब रोड खड़सी 100 किताब खड़सी, 500 किताब छापाने 1000 किताब छापाने तायामत एक सिलसिला जारी रहता है। तो इसी तरीके का इन्होंने जितना भी खराज अकीदत पेश करा, आलम साहब से कहन का मोहम्मद गुल खान साहब तक, नूर अहमद कुरैशी साहब, सैफ अली सैफी मरहूम और बाकी जिन्होंने नाम सुबह था गणे गए, तो एक एक गणा तो फिर वक्त जाया उसी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कितना खूबसूरत शेर आखे है कि सह सह जोड़ संगत पे वेखे ते आखिर बिठा पईयां जिन्हां बाद एक पल सी न गंदा वो शक्लां याद न रहियां। तो इंसान मिट्टी का माल है, इंसान चला जुड़ता है, लेकिन काम किए तो बड़े जिंदे रहते और लोगों में जिंदा रहेंगे हमेशा वास्ते। तो माड़ा पैगाम है बुजुर्गों वास्ते ना बल्कि जो माड़े नौजवान दोस्त भाई तक बैठे थे कि तुम को एक चारा नहीं इस सकाफत और लसानी सकाफती तहजीब न जुड़ेगा या इस तारीख न जुड़े के बगैर एक चारा भी नहीं, क्योंकि अस्ता
सर्टिफिकेट भी अथा बच्चे वाले लेकिन बड़े सारे नुकसान हो गए इसके और गुंजाइश मैंने समझा कि जिक्र करेंगे हालात नहीं ऐसे लेकिन अगर गौर किया जाए तो बड़े बड़े नुकसान हुए इस वास्ते अपने आप को अपनी जात को अपनी शनाख्त को अपनी शान आन बान को और शानदार सकाफत जी विरसे भी मिली थी सदियों से उसकी रखवाली वास्ते असल को जागना पैसी और इस तहरीक नाल जुड़ना पैसी वरना बना भी लगदिया रह सन पुलिया भी लगदिया रह सन ग्राउंड भी बनते रह सन वक्त तो इंशाला होने आ रहा कि ना पुलिया रह सन ना ग्राउंड रह सन जाए भी जब तो बढ़ सन कुछ गड्डिया से सारा की रोड बना कर घर तो गवार है बस दूसरी कोई चीज नहीं इस वास्ते ये बेकार चीज है तो आपने चाहिए वो भी असल को चाहिए जरूरत हो जिस तरह सड़कों की हालत है बिजली है बाकी चीजें या टनल का जिस तरह बुजुर्ग ने जिक्र किया चार साल से जब जो चल रही है तो बुजुर्ग से हर चीज भी होंगी चाहिए अस के नौजवान से एक इनकलाब आ रहे भाई पहाड़ी तहरीक के हवाले गल हो या टनल के हवाले गल हो या और कोई इस तरह का कोई सिलसिला हो उम्मीद होंगी है कि नौजवान सामने ऐसी लेकिन नौजवान बुजुर्ग सामने हैं बुजुर्ग मसीती भी जोड़ के आए लेकिन नौजवान इसके करीब नहीं है इस वास्ते मैं इस सच्चाई तो दिल की गुनाइयां ना तो सारे पे गुजारिश कर सकें कि हर आदमी आप ना दूसरे आदमी को जोड़ो और अपनी जबान भी और सकाफत की जो अहमियत है उसको उजागर करें मेरे दिल के अंदर तो मैं एक बार फिर इन सारे के खदमात को सलूट पेश करना सलाम पेश करना और हालत भी करना कि जब तक जान में जान है इंशाल्लाह इसी मिशन पर रह सक और चंगा होगा थोड़ा होगा वो चलो इंशाल्लाह करते रह सकते हैं बस मोहतरम हजरात आज आई थी इस पुरवकार मजलिस के सदर मोहतरम अब्दुल हमीद कुरैशी साहब एवान सदारत में मौजूद बाकी शख्सियात अकेडमी की तरफों अयूब साहब तथा तशरीफ फरमाए हस्ते पहाड़ी कल्चर और पहाड़ी जबान नाल गो के इनके फराइज मनस भी अलग हैं अस्ती हफाजत वास्ते अस्ती एस एच ओ साहब मुदसर साहब बाकी मुअज्ज़ज़ शख्सियात आज के दिन के हवाले नाल चंद थोड़िया जी एक दो यादा तुस नाल शेयर कर चुक चराग की जरूरत होंगी है राती लेकिन इसमें चराग अगर असं जला रहा तो उस अगर उसको असं बाला तो सूरज और चंद की रोशनी में उसकी कोई अहमियत नहीं होती जिड़िया शख्सियात का जिक्र था हो रहा है कुछ वक्त नाल गुजरिया बिलखसूस आलम कुरैशी साहब नाल गालबन जिस तरह प्रोग्राम शुरू हुए आलम साहब के अंदर एक खसूसियत ऐसी होंगी कि किसी भी इंसान को किसी भी मकसद वास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे मुको एक दफा उन्हें आख्या कि बरखुरदार उसी असं दे प्रोग्राम रिहर्सल किए रशीद कुरैशी साहब लोन साहब नागुक भी कहने लिया से भी नाल तोड़ लेता से बरखुरदार उर्दू में गल कर लिया से आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है लिखने का आप जरा लिखिए एक ड्रामा इतना इनकरेज किया उन्हें सुन कि मैं दो ड्रामे लिख पा रहे जो उसी प्रोग्राम में पेश हुए उनको याद हो सी अजीम खान उल्लू शनास एक मजाइया ड्रामा आसा दुआ डेंटल सर्जन एक ड्रामा आसा वो भी क्या कर लिया दो दिन बीच में उन्हें का तैयार कर देना उद्देश्य पे फिर उन्हें सुन वो ड्रामे जिससे पेश होए बड़ी उनकी शोहरत हुई बड़ा उनका चर्चा होया कई लोगों सो वो ड्रामे उनका जी रशीद कुरैशी साहब की अदाकारी सी और बशीर बागाती साहब की उस अदाकारी सो इतनी जान पाई उन्होंने कि कई लोगों को हस हस कर उनके कना थी लोग जारी हो गया ऐसे कई लड़के ऐसे उनके कना थी कह रहा था लोग उस जारी हो गया
उनके अंदर क्या था, फिर उन्हें एनकरेज किया। पर सरदार आप एक शायर के बेटे हैं, जरा पिता आजमाई कीजिए किस पे, शायरी पे। आया मैं रात तो जो शुभ बह गए जना गली पे, एक गजल तैयार कर चुकी, नशे में हम नशे में तुम नशे में ये जमाना है, नशीली जिंदगी हर सू नशे का क्या ठिकाना है। ये शुरू की थी और इतनी मशहूर हुई गवर्नर हाउस तक, उसने जो गवर्नर आसिफ जिसे ना सुनते शुरू की थी, तो हमें शायर बताओ ये शायर कौन है, लेकिन उस पीछे कौन आता, एक मसाली शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत कि जिन्हें आपने काज ना वाबस्ता आसा और जिरा किसी भी शख्स के अंदर काफी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता आसा, और फिर उस जो काम की थे बाद में जिससे मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और मुझको चार्ज मिली पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड की, असे हैदर साहब को मैं नाम रखे सेक्रेटरी अपना, असे दौरे जिसे जिसे हो, ऐसा लगता ऐसा कि आलम साहब रशीद कुरैशी साहब और बाकी जो अहबाब हैं असल जी पहले इनका तारुफ था क्या सा मौजूद आसा, और असि भी सोचते ऐसे कि शख्सियात हैं कि भाई पावर आसा कौन, मिनिस्ट्री आसा कौन, इक्तदार आसा कौन, लेकिन बेसर समानी की हालत में जिड़े लोग इन वादियों में फेर दे दे, इन्हें कोई याद करने वाले आज भी मौजूद हैं और ऐसा कोई याद करने वाला कोई भी ना हो। इतना यादन जी उम्मीद ने खलूस की हुई है, तो सोचो अपने आप को कितना वक्फ किया था कितने किसी काज वास्ते। बारह लोग जिला किस्सा में तुम शुरू किया लमा किस्सा ऐसा लिखारियों में भी असि शामिल होया और भी शामिल होया शायरों में भी शामिल हो गया। बाद में जैसे काली साहब उनकी संगत अल्लाह ताला सुन दी थी, ए भी मैं भी ऐसा हो एक अदारा फिक्र अदब कायम कर सोया लग गया, जैसे असि उस पास सारा के भूल गया अपना आप ही भूल गया अपना आप ही भूल गया, और जो सफर जिड़ा जिथे पहुंचे ना सर उठी के हो गया, क्योंकि हर चीज के अंदर अपना नशा हो गया, एक अपना मजाक हो गया। हर इंसान को उसकी संगत है जिड़ी के ना उस संगत उसी वो जो वो कंपनी उसको मिलती है वही उसको डाल दी है, लेकिन बार बार ऐसे एवरग्रीन हीरोज आसे जिन्हें को अगर कोई पलैना चावा नहीं पुला सकता। कई मजलसा सफली साहब नाल होइया अज तक उनकी याद जी वो दिमाग में के कर दी है गर्दिश कर दी है। आलम साहब तारा असि कोलीग भी आसे हम माड़े उस्ताद भी आसे, लेकिन बाद में स्कूल में कोलीग भी आसे, लेकिन हकीकत तो सी है मानो मैं दिल की गहराइया नाल आखसा कि भाई असा काफी लोग देखे, लेकिन आलम कुरैशी एक तहरीक का नाम सा, आलम कुरैशी एक अजम का नाम सा, आलम कुरैशी सिर्फ 5'6" का एक इंसान ना आ सा, वो पहलवान भी हुए अपने जमान में पहलवान भी आसा सब कुछ आसा, लेकिन एक ऐसा किरदार भी आसा कि जिड़ा अपने काज नाल के आसा उसमें सारा कुछ उसमें बना सकता आसा। आखिरकार जरा यूं साहब आख्या इन्हों सुन भी दिल थी निकली नहीं थी गल है कि साल में एक दिन असि वक्फ कर दे हैं किस वास्ते, कि ऐसा प्रोग्राम होया रात का बह गए सुनते हैं जबान के बारे में उसके बारे में, लेकिन असि वक्फ ना असा अपना सब कुछ उधर नहीं आया, असि ऐसा बह कर भी कुछ और सोचते हैं सुनते हैं और कोई मजबूरी ना सुनते हैं कोई सहना पैदा वो करते हैं, और हर उन कौम जिन्हें लोगों ने इसे असि जिक्र कर रहे हैं इन्होंने सुनो एक मेहनत की थी अस उससे फायदे चाहे, अगर इनकी मेहनत ना हो कैबिनेट मिनिस्टर बना ना, उसी पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना,
बना भी तो किसी और मैच पे ना बना, लेकिन उस बोर्ड का ना बन सका, वो बोर्ड ही ना हो, ये मेहनत इनकी मेहनत के रेडियो का प्रोग्राम चले। कोई दो नाम वो शायद पढ़ रहे हैं, नूरुल्ला कुरैशी और करीमुल्ला कुरैशी साहब, उनकी रफाकत पिछले भी पंज साल थी असा जिके हो गई, बाकी ज्यादा हो गए, उस 30 साल लगभग हो गए। करीमुल्ला कुरैशी साहब जिसके वास्ते जिंदगी का दूआ फेज स्टार्ट होया माड़ा काजी साहब का, उस कारवान में भी हुआ से जिसे गुरे से दरसे कुरान होंगे से कुछ होंगे से तो करीमुल्ला कुरैशी साहब भी असर पास ना होंगे से। लेकिन एक बहुत बड़े अदी, बहुत बड़े अदी नूरुल्ला कुरैशी, एक बहुत बड़े मेहनती इंसान, ऐसा इंसान जिसको अपना सारा करियर ही वक्फ कर छोड़िया, किस वास्ते नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ती, सब कुछ छोड़ता, घर छोड़ता, जिसे इतना गया हालात मजदूश हो गए, तंग हो गए था उन्होंने वास्ते हालात, उन्होंने सब वतन भी छोड़ता कि भाई ऐसी खुली फिजा में साथ है इनका तो जरी के अपना अदबी का काफिला जो है उतना चलावा, उतना भी चलाया चला रहे, उतना भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये वो लोग होंगे जिन्हें सुन अपनी जात को अपने काज बिज के कर छोड़ दिया है, जम कर छोड़ दिया है, रह गए असि असि आधे तीतर आधे बतेर, असि उसी मजलस जी मजलस होनी तो असा रंग भी किड़ा वो ही है, आज साल के बाद था पहाड़िया की मजलस होनी तो अज असि माशाला के हैं पहाड़ी है, लेकिन ये मजलस खत्म सब कुछ खत्म। बहरहाल याद करते हैं उन्होंने जिंदिया मेहनत के सम्राट जे अज सू मिल रहे एस टी असी मंजिल ना सी, एस टी एक इतना का मफाद है या कोई और चीज असी मंजिल इतनी ना सी, लेकिन अपनी जबान नाल अपनी माओ नाल शनासाई जी आसी वो असी बहुत बड़ी मंजिल आ, असी जबान हरी हुई, असी जबान जिंदा हुई, और आज कश्मीर में पाकिस्तानी कश्मीर में लाहौर में दिल्ली में यूरोप में अमरीका में लंदन में हर जाए का जी गल है, पहाड़ी भी एक कौम है, पहाड़ी भी एक कल्चर है, इस पिछा जिन्हें लोगों काम किया है उनकी याद है जी बाकी अस वास्ते एक सरमाया। आखिर त वालद साहब का एक शेर इनकी नजर कर सा, अपने वालद साहब बहुत बड़े शायर से उसी का मुगो उभारिया सका सुन आलम साहब सुन कि आपके अंदर टैलेंट है फुरफुरदार, जरा आज बैठो रात को और बाकी रात ही बैठो सुबह गजल तैयार आ सी। दुए तेरे फिर आखन लगे और गजल मैं आख्या मुक हो गजिया नहीं होता अगली गजल तो मुगो जिगराता हो गया और की तकलीफ है, मैं और तकलीफ है कि सुबह जैसे गजल बैसा करो उठ का गिना ऋषि कुरैशी को तसी वास्ते इस तो आके यार मैं किस कजिए में बेंद रहा है ना यारा राती में जगराता भी करा ना सुबह यहां तोड़े को सर तू इसको कह का तो ना सुन फरमाया सा रबा सब मेरे ग्राई इन्हें जनता में ले जाए तत्ती जंग ना इन्हें लाई ये चार बहता उसके चार बहते बड़े मशहूर हो गया से चार शेर उससे हो गया से फिर आगा एक जिस तो उस तो शुरू होता सा रदीफ वगैरह के आपके तुसी शायर लोग उसको वो हाँ रबा सब मेरे ग्राई इन्हें जनता में ले जाए तत्ती जंग ना इन्हें लाई करन जनता दे वे सैर खावन मेरे ते अंगूर अल्लाह बख्शी तू जरूर अल्लाह। शुक्रिया वाहिबर एहतराम मोहतरम कफील और इमाम साहब, मोहतरम नाइन साहब चीफ एडिटर, जनाबे मदरसर साहब रियासत में मौजूद हैं, सफिया पर बैठे ने सीनियर सिटीजन्स
और अस्थी क्लब के खैरख्वाह हजरा नौजवान साथी, और अगर किसी का कोई रह गया था आपको तब मैं माफी रखवा, वक्त काफी निकल गया। दो तीन चीजें मैं पहले अर्ज कर छोड़ने बाद बोलना चाहता। एक ही चीज है कि इस हॉल के बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में, जरा इसका एक पॉइंट सामने आया से किसी एक ही सुन सामने आता था सब जाना तेरे संगिया से रस्ते इफ्तिखार साहब कि बड़ा आसान तरीके है कि किसी की बिल्कुल ताजी लोड़ नहीं ऐसी एक केस फाइल कर सर कोर्ट में जी जी और वकील आते आपने इधर महकमे के लोग इन्होंने नोटिस जरा उसकी उसके बाद इन्होंने बुला के इन्होंने पुलिस जबरदस्ती के लगे। लेकिन शर्त यह है कि इसका कोई डॉक्यूमेंट्स और सभी देखे हुए छोड़ने चाहिए बगैर मेहनत माड़ी गुजारिश होती कि असके मुकला हजरा जो मौजूद हैं और असके पहाड़ी इस तलक रखते फर्ज मंजिल ही बनता है अखलाकी फर्ज बनता है किसी जगह कोई बड़ी गल असं एडवाइजर को आखा गवर्नर को आखा किसी होली को आखा ये असका हक है और मिल कर रहे इसी वास्ते अगर आनी और कोई काम नहीं होगा। दूसरी चीज मोहतरम वली रोमान कुरे अपने वली अमन कुरेजी साहब सुने एक पॉइंट रखे सामने कि जी असं खफे हो गए और टनल की मसला खफे अस कदम नहीं होंगे लेकिन असं कोई पता है जो गैसट आ रहा उसका असं को पूरा बायोडाटा होना चाहिए कि वह कोई सियासी आदमी है कोई एजेंडे वाला आदमी है कोई और मुसीबत है अगर वो खाली एज ए कर्नल आ रहा है तो मैं तुम्हें जाति ना लोगों को पर्सनल भी मिल सकता लेकिन ना कोई और चढ़ने चाहे जो तो फिर बड़ा से बड़ा मुश्किल है क्योंकि इन चीज़ों ने गारंटी कोई नहीं दे सकता। मेरे से सामने आता कि ये तायरी नौती रिस्क से मौत अच्छी आती है उसके खाने से बर्बाद नहीं होता है पीक नहीं मंग रही होंगी स्वास्थ्य अगली होंगी होती चीज़ों नहीं तो हाँ वहाँ किसी को लेट लेनी ये उस समझते हैं ना हमें बगैर समय ना आप पता है अगर उसका खाली कर्नल है तो नो प्रॉब्लम कर्नल है कोई है रिटायर्ड है जो भी है अगर उतने ही है क्यों पिछले रणों सुना अपने वीडियो में से आ गया कि असो टनल जरूरत है क्योंकि असो पार हमला करना है दस वजे के तरीके आजाद कश्मीर का नारा सौ महाराज सी गुरु पहले तरीका ठीक नहीं है कोई सीधी गल करें ना अभी नारे असते वली अहमद साहब ही इज ए ग्रेट मैन नो डाउट एज ए सोल्जर भी बड़े सोफिस्टिकेटेड है बड़े साफ सुथरे इंसान है लेकिन ऐसा ना होगा कि और मामला होगा कि उन्हें इन्हें रुपा तो माड़ी जरूरत है मैं सिरा ले पार करूँ लेकिन असों को आइडेंटिफिकेशन की जी पैनी है कि जिस महीने से जो रहा उसने काबुल आ जाना इसे झाड़ फूट देना उसकी चीज़ का बड़ा मुश्किल होना है। बारह ये दो गलत भी मैं तुम गुजारिश की इसे तामल करने के तीन चीज़ें आज इस मदरसा साहब भी सब मौजूद हैं इन्होंने असर कोई खास उठना बैठना इस वास्ते नहीं फिर सोचती उसने यार जी ये भी कोई अगर आदमी आ गया असल में माड़ी पोच जी है जी इन लोगों की देन है वो ऐसी है कि असं कर ही नहीं सकते किसी पास यानी इतनी रिजोर्ट पोस्ट है कि ना असं ड्रामा सीख सकते हैं ना कोई लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं ना म्यूजिक सुन सकते हैं और भी फतवे लगते हैं तो लिहाजा वो चीज़ है शौक अंदर ही दब गया है उसको पता है कितने लफ्ज इस्तेमाल करने किस पे राय करने वो कुछ आ करना और करने भी है नहीं करना अस फनकारा की क्वालिटी देखो मैं तुम दस हम इस तरह पा चला मोहतरम आलम कुरैशी साहब की योम वफात अज की दिन का तुम सुन सारे मिलकर जोड़ा इनकार किया इस मजलिस का तो सब तो पहले चूंकि माड़ा तालक भी उसी कुंभे नाल है तो मैं तुसा शुक्रगुजार सवाल तुम सुनो सन 98 में फौत हुए अज तक तकरीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर साल कोई ना कोई फंक्शन उनका होता और बड़िया किताबों में उनका ना आ गया बड़िया बड़िया शिराजियां उनका ना आ गया वो बहुत बड़ी इज्जत अफजाई है सारे बहरहाल उन्हें इस परस्पेक्टिव के अंदर उन्हें इस बैकग्राउंड के अंदर रहने वाया उन्हें दो किस्म के हकूक असा होता
एक उनके कुंभे आते ताने करिया वाला उन्हें सो किस कुंभे पे चुवे जन्म कहने का तब इस बंदियां का पूछे दुई अंत संगियां साथियां ना कितना कंट्रीब्यूशन उन्हें ला दिया और उन्हें को याद करना बहुत जरूरी है इस कारवां को यह तो नहीं ताने को उनकी अपनी जात है मोहतरम आलम साहब की जात है इन्हों को भी कई गुना चाहता उनके बड़े भरा कलाम सरवर साहब जी ऐसे ने वो बहुत बड़े ऑलराउंडर और बहुत बड़े इंसान ऐसे बहुत बड़े फनकार से बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन से जिनकी 25% या 20% आलम साहब हो सकते हैं लेकिन क्योंकि छोटे सब तो छोटे होने की वजह ना आजाद से इन्हों को मौका मिल गया तो इन्होंने उसको बगावत ही की थी जिसको कई तो बगावत ही आते हैं कई के आते हैं लेकिन एक चीज़ का नाम पैदा कर गए उन्हें गुजरने के बाद जैसे घर के रिकॉर्ड पढ़िया कौम के लोगों पढ़िया तो उनको महसूस होया कि आलम सुना सबको जिंदा रखा ये उनकी गल दसते हैं रे इलाके के जो संगी साथी सब परिवार ऐसा यह होता है कुंभा देखो जिस जाए के पैदा होया ना वो अलग खाता है वो नेचुरल है बच्चे अहले खाना बुजुर्ग वो माड़ी उसके कोई कमाल नहीं अल्लाह ताला दा अपनी एक नसीहत है अल्लाह ताला दी देन है उस पर माड़ा कोई कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन यह है कि मैं कि ना संगियां को नाल जुड़दा उनकी सिलेक्शन मैं किसी ने की उन्होंने टोटल मैं कि कमाया ये जीव जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े मतलब आथर उनकी कई किताब उन्होंने पूछा सा कि सारा कुछ तुम किया अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं देखी उन्हें आख्या ऑटोबायोग्रे तुम बरदा नहीं है उन्हें आख्या ऑटोबायोग्राफी में अगर ये लिखना है कि आई वॉज बोर्न तो एवरी बॉडी इज बोर्न क्योंकि नई चीज है नहीं आई विल डाई ऑन दिस डे आदमी मरना है कि खसूसी गल है मैं देख छोड़ा आई हैव पेरेंट्स Nothing new. Everybody has parents. I wear dress. Everybody wear dress. तुसी वो लिखो जिड़ी दुई सुन नहीं कर सकी वो आखन लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकिया अगर मैं कुछ किया किताबा लिखी है तुसी वो किताबा पढ़ो तुसी माड़ा मेरिट खुद देखते हो तमु को अपनी तारीफ करने की जरूरत एक इंसान की पहचान उसकी शख्सियत होती है वो किसी कौम का नहीं होता तो बहरहाल उस उन सरदारों में जेड़े वास्ते एक पूरा खानदान बनता है जो था कई फोटो हैं कई नहीं है मिसाल करने सब तो पहले जो जाई साहब होंगे मामा आरिफ मामा इरफान आरिफ साहब उनकी खसूसियत यह आई मैं तो निका जहाँ सुना लैने जदमो थजा जा से या इस आशे लेकिन उनकी पढ़ाई में लाइफ इतनी सादा सी कोई तुम सोच भी नहीं सकते वो कोर्ट में जो आका टोड़ा डाका बाजार में जाकर हाड़ लगे बह रहे से पुराने सीनियर बुजुर्गों को दी संगत कर दिया यानी वो एरोगेंट ना सिंपल स्ट्रेट और कम हो हूँ उनकी जी जबान आसी वो कलम आसी कलम के जरिए ना इतफाक साहब मौजूद उन्होंने अपने रिलेशन में से पतरीये अगर इन्हें कोई कोई मवाद है तो छुपा कर ना रखो उसको छुपाओ क्योंकि उन्होंने बड़ा खजाना उसके दीवान खाने में अंदर उस उनका दीवान कड़का उसको जरा देखो कि हिसाब किताब है कि है सब तो बड़ा यह है कि असं उन्होंने हौसला अफजाई उस वे की असं उड़ी मकामदार मुखल जाइया गया वो असा नाल मोहतरम कलेजी साहब को पता हर जाइए असा नाल गया आलम साहब भी ना दिया से होर बजुर्ग भी ना दस वो असा को जाइए असी तो पेश ही नहीं वो असे उस काफले के अंदर एक अस्ते एक मेहमत भी असी बमा क्या तू जाए तो बजामा पता नहीं कि जाई गया उनकी इजाजत से लेकिन नहीं दिखता उसके बाद तुम देखो लुकमान राय साहब की खास गल यह कि लुकमान राय साहब जैसे पराड़े के उनकी जी जबान आसी मौजूदा जबान को 50 साल पहले जी ठेठ जबान वो इस्तेमाल कर रहे थे जी जैसे कि नूर अहमद साहब करीमुल्ला साहब और लुकमान राय साहब की जी लैंग्वेज है वो एकदम चेंज ना कर रहा से वो अपनी अदबी जबान को अपने खजाने के ढूंढ का दोबारा पेश करके उसको जिंदा कर दिया उनकी अगर तुम कोई किताबा या कोई और चीज आगे जाती खुद देखे सो कि असों खुद समझना मुश्किल हो गया कि भाई 50 साल 60 साल 100 साल पहले के अल्फाज इस्तेमाल करें उनको रिवाइव करें क्योंकि उस समय पता जबान खत्म हो गई थी जिसको असं आते हैं ऑब्सोलीट लैंग्वेज ऑब्सोलीट का मतलब यह है कि लैंग्वेज की हैयत बदल गई है फिर नौ लफ्ज है नहीं कोई बार हो गई हो उसकी वो जी खेल पाना खत्म बड़े उच्चे और खास गल लुकमान साहब की यह उस वक्त की गल है कि वो उस इलाके में जिस बॉर्डर है वो फिर भी बेबाक इंसान वो उठकर जुल्म के खिलाफ लड़ दिया इसी तरह करते अपने मंसूर साहब टाट वाले मियाला मंसूर साहब
उनकी शक्ल उनकी शायरी कोई मुताबिक रखते आसे जी जी मजाक उधर इसकी शक्ल उठा के लिया उन्होंने कभी हंसी आगे नहीं तो शेर व शायरी तनज सटायर और मुदार मकसद के ऐसा इसलाह माशरा और मुतालबा पहाड़ी जवान तुम देखो ना पढ़ो ना नजमन तुम यही लिख सो फिर एक शख्सियत लाली मजलूम साहब आ उन्होंने बारे में जितनी किताबा 28 किताबा उनकी लिखी दी है वो एक ही किसी फन में नहीं है वो नावल भी लिखे उन्हें ड्रामे भी लिखे उन्हें शायरी भी की उन्हें पहाड़ी शायरी भी की उर्दू भी की गुजरी भी की पता नहीं क्या क्या 28 किताबा होंगी वो तो एक बहुत बड़े अजीम हालांकि स्कूली तालीम में बड़े घाटा से लेकिन वो इस कदर कोई वाला तरफ ऐसी ओके सलाहियत के वो अगर कोई सच पूछा ना कि अगर उम्र पैसा हो गया वो छुपा के पता नहीं क्या बना रोमांटिक पोएट्री रोमांटिक नावल होने की ड्रामे लिए थी उन्हें एकदम मॉडर्न है क्यों उन्होंने पढ़िया मैं सोचा यार मताब तो नहीं लिखे ना कल्चर ना यूरोप ना लिखा था हिसाब मैं कह यार खुद समझ नहीं आ रहा कि हिसाब किताब है क्या कल्चर है तो इसी तरह न अपने रवानी साहब का अवान साहब शक्ल की बड़ी हैबत लगती है कि बैंक में होने से मैथमेटिकल होने से वो पैसे की कमी पेशी भी हमेशा ही रही लेकिन उनकी लिखाई इस कदर यानी कि अदीबाना इंसान सोच सकता था यार शक्ल से चीज खतरनाक लगते दिल इन्ना बड़ा मोह है वो बड़े कॉम्प्रेस वतन बड़ा सारा की चीज आते बहुत बड़े आदमी आते इसी तरह से एक ही आदमी का सा नाम करे कि अस अपने इकबाल नसीम साहब इकबाल नसीम साहब इतनी छोटी उम्र इतनी संजीदा यानी उनकी दिखाई इतनी संजीदा कि इंसान डूब के ना था उन्हें पढ़नी होने उनकी रचना उनकी नजमा उनके साने जो भी है वो छोटी उम्र में चले गया था उनकी जन्नत जगह का छोटे बहुत ही छोटे बच्चे ऐसे चले शायद ये फन उनकी पीढ़ी भी कबीले की पहचान है इसी तरह से अब मकबूल साहब खान साहब इस कदर सादा और रिटायरमेंट के बाद ही उनकी जिंदगी गुजरी हुई है लूठे ने अंदर रहकर इस कदर साफ और सुथरा रहना लाता लग रहना अपने आप को बचा कर रखना अपने आप को मेंटेन कर रखना किसी मसले में ना पैना लोगों दिन गलत इधर सुननिया उड़ो काट छोड़निया लेकिन खैर फाई अपनी जाय मौजूद और उनके कबीले के अंदर जो नुकसान हो जो शसीत चली गई वो जिले जो गए थे उन्होंने दौड़ देगा और रिसेंटली उन्होंने पहले विधायक साहब चले गया तो सब चीजें कौम कबीले जिम्मेवारी पै गई लास्ट असा ना ना रह सके चले गए वो खुददार भी असे चले चपड़ोसी किसी को ना देगी रिटायरमेंट के बाद कोई एंगेजमेंट ही होती ना बगैर इसके कि बता मुंह तो होगा बार बैठ रहा किताब देखने होगी या अपने आप को मेनटेन ये बड़ी सलाहियत होती है इसी तरह सैफ अली सैफी साहब काफी असा सुन देखा कि उनकी खसूसी पैरू या जाती है वो ये है कि बागैरत इंसान और गुस्सा उन्होंने जिस वे ऐसा कि ठंडे रहो गया पहले तो गुस्सा इन्हें ना जो गुस्सा आया उन्होंने ठंडा करना बहुत मुश्किल आसा और फिर वो कमड़िया तो ना लगे नहीं आस वो वजह है कि आनेस्ट इंसान है कंप्रोमाइज ही ना और तुमको याद है जिस जमाने में जो वफद चला गया उसके बाद नाखुश हो गए ये थोड़ा जा तालमेल ना रहे और बड़े सारा सारा बुला के डांटे अपने घर में ठीक है रुटी भी खा ली सब कुछ किए लेकिन जो उस सैशन चलिया मासमे का उस वजह से ही बचाव है किस कदर वो बेबाक और किस कदर सख्त से वजह की असं माड़े सामने उनके कोल उतरिया हो गए किसी एजेंसी ना ये खा खत्म करने दो तो ये चीज है वो जाबाज अस इसी तरह बहुत कई शख्सियत ने असदिया नूरामन कुरैशी साहब तो उन्होंने एक हवाला जा ही दिता इतना मुको मेरे कैंसर के भी मरीज से पहले हार्ट प्रॉब्लम आ कैंसर भी हो गया इतना आज दिन प्रोग्राम ने कहा आर्मी का तुम इस वेला आ रहे हो किस वेला आ रहे वो आने के गल सुन के इधर आओ जी तू तुम गल सुनो मां जी जी माड़ा भरोसा दे मैं मो ठाके का है जी मसला तो तुम इसी आयो घर मैं तुम कोई कागज काट के देसा तो ऋषि सुरेशी का संदो ही पैक वो कागज माड़े को जा के कागज माड़े को जा के और उनका की रोल आसा कि उन्होंने ऐसा दफ्ते गांधी दिता गया कन्ना के अंदर जदों हड़ताल कर दिया हुआ कि गांधी का मतलब है जिसको असं सत्या कह रहा सह लेना ग्लूकोज लालना तला तला सबके पहले फौजी अफसर हस्ती हुई करना बेहतरीन सोल्जर बेहतरीन अफसर
बहरहाल उन्होंने भरावों की बुलाया सब कुछ किया ताकि वीरबारी की थी। उन्होंने एक बार ठेका आया 60,000 का, पता नहीं कफील साहब उन्होंने चाहता है अगर सुन आने के मीटिंग की थी पर आने के बच्चों ठेका है 60,000 का तुम 80 लाओ पैसे मिल जाने, मगर नाली ऐसी होनी चाहिए ताकि पोता थोड़ी परा थोड़ी पड़ा वाले थोड़ी इस पर सीमेंट जब जी रेशियो लगती है उसको रेशियो को तुम ही कम करो और तुम इसको बताओ का ये नाली बननी चाहिए। बिल्कुल वो पिता जी उस पैसे खा के मजदूर दत्ते हतन से फिर देने रहे उन्होंने ये बेदार है इंसान जिस हम अपनी रकम ला छोड़ी अपने ग्रां के जिंदगी की मिसाल देना जो इंसान पैनी टू आनेस्ट होना चाहिए आनेस्ट टू पैनी जो पैसा एक पैसे ना कह सी वो करोड़ भी ना कह सी ये दागर नहीं गल है ना जो है कि पैसे को हार गया वो फिर करोड़ भी कहते इस चीज़ उन्होंने बड़ी नुमाया सी इस तरह वजिया से चक साहब चले गए रिसेंट गए वह ट्रुप च होंगे इस तरह और कई बताई उपी रह गए माड़े जी 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 तो इस तरह हस्ते अगर कोई रह गया तो माफ करो एक काफड़ा जरा चला गया लेकिन तुम्हें याद हाँ मौत एक जिंदगी का वक्फा है यानी आगे बढ़े के दम लेगा एक मौत एक ऐसी है जिंदगी है आगा भी है पिछा भी है मौत वक्फा है ये कोई इंसान फानी नहीं है उस तरह आते हैं कि मैन इज मॉर्टल लेकिन वो फिजिकल मैन है एक बॉडी एक मॉर्टल ये उठा कि मॉर्टल है 10 साल के बाद बदल गए नहीं है तुम साइंस का मुताला करो बस जितने सेल्स इन बॉडी ने करोड़ों अरबों में ये विद इन 10 ईयर से चेंज हो गए हैं नोए ने रिप्लेस हो गए हैं मतलब वी आर पैटर्न गुणा तो वही है लेकिन सेल्फ बदल इसका मतलब है कि 50 साल के अस 5 दफा अस जन्म गिनते हैं आपका जिसम रेडी होता है रेडी होते हूँ जिसने ये बगैर भी रहा फिर पैदा हो सी इसका मतलब है जिसम की तुम सोचो रूह का सोचो और हिसाब किताब भी अगर आया उसे भी जिसम मिल गया सर सब कुछ हो गया सी लेकिन यह दुआ करो कि जिन्हें लोगों को कोई काम किया और अगर निकल गए जो उनका नाम इत है तो अगर बुद्धों बशर बंदा है बंदा बशर है जी अगर उन्होंने कोई दबिश हुई है इस जमाने के अंदर अल्लाह तआला उन्होंने माफ और उसके अलावा हमारी ये गुजारिश है कि तुम सारे जमा होकर मेरी बच्चों ने प्रोग्राम ही देखा मैं तुम आते हो ना कि इंटरटेनमेंट वैसे भी ना उसका जरा अंदर जरा साज आसा उस सोज आसा उस अल्फाज आसे तुम उन्होंने देखो उन्होंने एक दरस होंगे एक फिल्मी गाने ना आ तो लिहाजा उनकी भी हौसला अफजाई जरूरी है मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि असले जो बच्चे ने इको में पढ़ गए अगर मुँह कोई आखे चार गजल या चार आइटम सुने तुम नंबर दो मैं आखिर दसा में दस क्यों नहीं समझ नहीं आई इको में पढ़ गई इको में पढ़ गया मुँह कमी एक भी नहीं लगी यानी जितने 5 या 6 बच्चे आसन सुन जो पेश हुए उनके जो उसके फनकार से ज्यादा चोटी थे उन्होंने अंदर दसा में जो 10 नंबर सारे ने हम लगता उनकी सरप्रस्ती करने की जरूरत है उन्होंने वास्ते खैर भाई अपने को ऋषि साहब पर चले गए फिर साजिद का नंबर लगा तो ये उठकर चले गए असि वाह आंदा है अपने पेरेंट्स सोचते हैं कि मौका मिल गया सच को शायद मैं कहना थोड़ी आवाज आई उसी जब अपने अमीर मीर साहब के पांजे भी आसे रेटी को बस मैं आता हूँ ना नहीं सी जाना बच्चे ने आई रियली आई एम प्रेस फॉर देम आई ऑल प्रेस फॉर देम और तुम जिन्हें जिन्हें उन्होंने हिफाजत की दी है मदद की दी है या मदद करना चाहिए लाओ कर कल्चर कदम खत्म ना हो सके हम रहा जबान का इस्तेमाल जो नहीं सब आ गया जबान का इस्तेमाल हद अमकान अपनी जबान होनी चाहिए लेकिन जो मजबूरी असल हुई गल हम अलहमद भी थी पढ़नी वो पहाड़ी लेके पढ़ सकता अलहमद ही पढ़नी बगैर की मीटिंग हो रही है सब ये कर सकता जनाब एक बोला नहीं मोदी साहब एक आख्या जनाब कमांडर कमांडर जनाब खड़े करो आपने करने का मतलब आता है जी तुम दुआ करो उस आगे ये क्या कह रहा मैं ये कह रहा सर आई एंड अप करो सर मोदी साहब को आ गया मतलब ये बने या कि तुम की हाथ खले की क्या कोई फिर हो रहा तुझे ये नहीं चाहते उसी की अभी भी वो मुश्किल हो गया दिया जी लेकिन वो था वही भाषा की मैं अपने बढ़ाने साहब को इतना आ गया आधा मुझे जनते जगह मैं उनको आ गया ऐसे सोचल में नॉट फोर्टी का ही सिस्टम कोई नहीं उन्होंने मैं आ गया जी महत्व है कि दलिया या तुम अगर तुम जितना चाहोगा या बढ़ना चाहोगा टीसीबी को उतर ना आकर पहाड़ी बोलते कोई मजबूरी तो ना नहीं है वो तो मजबूरी है तुम तो आकर भी नहीं बोलते इस ना कि असर मेरा मसा या फिर कोई मनो लाभ नहीं तुम गुजरी था रोटी खेलने भी बोलते मन तो बड़ सी लिहाजा माड़ा है मकसद नॉर्थ पे गए नॉर्थ ईस्ट पे इंदिरा गांधी गई उसे सही लागू गई असर वो नहीं होंगे अपने बादशाह
जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो एक जीने की हाथों मर चुके। जिस टेलदासी को जेने तो अपनी उम्र 71 साल हो गई है। जो एक आदम साहब से फजी साहब से बाकी बुजुर्ग नंबर नहीं होता था और खुदा की कसम जितने फौत हुए इसको 6 दिन पहले या 7 दिन पहले कुपाड़िया से तो मिल गए, बिल्कुल गल ना कर सकते ऐसे। तो उस समय हम असि अपनी लड़कियां बैठी असि एक लड़की होना ना कुछ चुगली लोग होने उन्होंने जो एक ही सुन गल कर रहे हैं मैंने थोड़ा हंस के है ना इन्हें सुनो उस हालत में सजा पैर चाहे लत माफ ले ये तो पता नहीं काजी बैठा को हालांकि मैं की आसा हूँ कुछ भी नहीं अल्लाह की कसम करता हूँ हर समय तो समझ आता ये नहीं कि आई एम समथिंग आई एम नथिंग मैं सारे को ही आता हूँ आज तक जो फाना वही है जो थोड़ा बहुत मुताला कर दिया वो किसी वे काम आ गया हूँ देखो मैं तुम्हें गलत कह रहा एक अगली गलत समय अर्ज कर सकूँ खुद बात अदर में ये और अधिक भी हो पहली चीज है कि जरा एनआईए था चार सत्रह संतुष्टि मौसम कफील जमान था कोई नहीं था नदीम साहब से कुलेशी साहब से इधर इन्हें वाले को कुदरती सामीन के म्यार को देखकर उसका म्यार बुलंद हो गया। ये हेलीकॉप्टर उड़ता पहाड़ियों के मुताबिक अगर पहाड़ी ज्यादा उड़ती है दोनों तरह है अगर उसके मुहातबीन या उसके जो सामीन स्टैंडर्ड दिन तुम आवाज का बुलंद हो गए 40,000 फुटी ऊंचा चले गए जिन्हें तला वाले छठे करे हो तो तरह गया जी कैप्टन नाल उतरा लगे त्रिकलों को लगे ज्यादा ये था रहने वाले को भी अपडेट अपने आप को करना है। आज कंप्यूटर का जमाना में अनपढ़ हो गया मिसाल अगर माड़ा ही करो माड़ा पोतरा जो ज्यादा जानता है ऑपरेट कर जी हजार गैजेट्स खुदा वो बदे हूँ अगर तुम टेक्निकल हो आ टेक्निकली आसो मुगे ही आसो तो अनपढ़ और भी आ सकते हैं क्या क्या वाकई मैं करना कर सकता दू ही करना बात ज्यादा ना कर सकता लेकिन मुको भी अपने आप को अपडेट करना है तालीम के मैदान में अदब के मैदान में तो हम आ गया जी काजी अंकदा फलाना मुको खुद सोचना है यार दे आर पुशिंग मी टुवर्ड्स ए प्लेस विच आई हैव विच आई हैव टू अचीव एंड अकॉर्डिंगली वर्क हार्ड तुसी मुको इतना कुछ आखने बाद में वही बैर हुआ उसी गुठा में सोचा यार कुछ नहीं करना नहीं नहीं करनी इट मीनस कि यू आर गिविंग टारगेट्स तुसी कह रहे हो काजी अंकदा हालांकि मैं ना काजी का चीफ जस्टिस होगा क्योंकि उस मुल्क में जैसा एक कोर्ट सिस्टम हो गया अस ये रिवायत चल रही है चलो ठीक है जब तक चल रहा है चलो जल्दी रहसी जिस भी है मजबूरी है ना शुक्रिया है चलता रहसी जो भी है लेकिन मैं तो अरज करता कि जरा अस्ता सामने ही नजर आते उनकी क्वालिटी चाहे फन बेचन कल्चर बेचन लिखारी हैं जो भी है किताबें बढ़ी दी अकेडमी में तुम सरप्रस्सी भी बन रही हैं और बड़े बड़े अधीम अपने अधीम साहब जैसे और सारे तरफ नहीं इलाके के अंदर दर्जन या पूरे जैंड के अंदर पहाड़ी आवाम के अंदर आई ही नहीं सैल्यूट दे कि असों को भी मौका मिल जाए रहने का तो तुम कॉफी प्रेशियस टाइम चाहते सदाकी खुद के उसे तुम्हें इसके काबुल ना आता टूटे फूटे अल्फाज जड़े हैं वही है अपना बड़ा तारक इतने ही है कि अगर मुको किसी जाए की कोई बोलना होगा मुझे 24 घंटे पहले पता हुआ तैयारी करके ना अगर अगर टॉप हो गया मैं एकदम बोल्ट हो गया तो ये अगर टॉप ही हो गया सारा काम आ जाते क्योंकि मैं लैटर की गई ऐसी मुझे पता नहीं चले इस वास्ते एक दफा एक जाई साहब साल से एक छिवी नाराज और माड़ा मुका मुकाबला है सर दादा वो पिछाने के अलग भी कहा से किया भाने साहब आने की तुम साइंस को तो पढ़ी है मैं हुआ गल सुनो ना साइंस पढ़ी है ना मैं अलग असल में अस टीचर अस हक दा पढ़े किताब पढ़ी मन आ गया क्या वकील भी बन चलो प्रैक्टिस ना कर सकते तो पढ़ तो सकते हैं ना इस वास्ते तैयारी जरूरी है हर फन के अंदर जिस जो फील्ड है उसके महारत होनी चाहिए असि कि आपको कुछ भी ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स लेकिन असं लर्न किया अपने सीनियर को ये उनका देन है वो लेक्चरर वो प्रोफेसर वो उस्ताद
वो माशरा वो समाज दे आर रिस्पांसिबल फॉर दोस थिंग्स अदरवाइज हमें की चीज आती नहीं अल्लाह अल्लाह ताला तुम साया कायम रहे रखे अल्लाह तुझे अपनी वजह दे दे रब तुम तो अल्लाह ताला बस इस दाल में तुम्हें आई दिस फंक्शन दे खत्म होने लगा ऐलान करना और शुक्रगुजारी का भी करता हूँ इसके बाद शुक्रिया के अल्फाज मोहतरम रशीद लोन साहब ने उसमें जैसे कि ऐलान हो चुके हैं उस दिन आई फंक्शन इन शाह ताला की हो गया लोग तो कैसे फिर नमाज पढ़ के आप अपने करना चाहिए गया सर इस पॉइंट कोई ना कि अल्लाह ताला तुम फिर मिलावा और अच्छे बोल दे मिलावा बाबा अल्लाह ने जो बुला दिया शुक्रिया जी ऐसे जो सर मोहम्मद अयूब नईम साहब पीर सराजुद्दीन साहब राजा मजीद साहब सलाम मुजार साहब बाकी शिमी शेख शिमी साहब अमीर साहब तमाम बुजुर्गों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हालात न बनते हुए भी बन गए बच्चों का मैं मशहूर हाँ कि उन्हें साथ दिता और इस दिन को असा मिली जुली कर का तमाम उन बुजुर्गों ने ना जो बुजुर्ग असा को दुनिया तो रुखसत हो गए क्योंकि अस लोग कुछ भी ना दे सकते उनके हक में मास वाइफ अखवानी ने तो एक दिन ऐसा आ गया बनने बनने ऐसा बन गया हकीकत यह है कि कई चीजों में दुख होता है अगर आई थे कॉलेज में हायर सेकेंडरी स्कूल में या स्कूलों में बकौल नईम साहब नसाब पहुंच गया है डी एड एक बच्चा निकलिया उस बिच कुछ हो रहा कुछ हो रहा लिखे जा सी मैं शकवा भी कीता इन्हों को कि अस करना रखो शायर उठा ना अस जी मसल नोट लिखा दे ना कि अलामा इकबाल पर नोट लिखो मसल बच्चे भी चाहते ना या गालिब ता लिखो या उस ता लिखो तो भारी शोरा में जो किसी का नाम भी उस दिन ना आ सके उस शायद कर लिखो जबकि तहरीक के लिए शुरू करना हो रही है शोरा इब्तदा करना थी गुजरे दिन और इफ यू उठ का जनाब अली फिर फैलते फैलते पूरी राजौरी में चले गए और अस्ति करना भी किताब लिखने वाले भी हैं किताबा भी लिखी दी शायरी में भी किसी को काम नहीं रहे लेकिन वो बड़ा दुख होया आई थी दो साल पहले भी गल है शायद नईम साहब को पता नहीं याद हो ना लेकिन मैं मिर्जा फारूक को गिला किया कि तुम्हें राजौरी में शायर हैं या तुम्हें पूंछा में शायर हैं या तुम्हें जम्मू में शायर हैं और तो लहजा भी नहीं जी करना तो लहजा भी नहीं मैं आ गया तू मुझे दसो कि उठा असी करना रख कोई शायद बिल्कुल है ही नहीं उठा मसाल अगर असि मशहूर शाह साहब का जिक्र करा इस वेले अस ते नवे पहुंचते शोरा विचो सफे अवध आदमी है इकबाल नसीम ने गजलां देखा तुसी सफे अवध दे लोग खुशी मनवर साहब है सिले जनाब अली एक एक शेर इसका मोतिया नाम तुलिया का शेर है ये चलन मैं उस नाल कीता मैं क्या तुम दस करना कोई शायद तुझ सामने नहीं आता है जी उठे 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 मैं क्या ना उठे उठे नहीं तुसी लोग इस तक कब्जा करना चाहेंगे तुसी चेंज हो कि भाई करना रखो यार मैं बात नहीं करना चाहिए इसी की मिसाल को कहने का कॉलेज में मेगास के पे ना कॉलेज में क्योंकि नसाब आ रहे हैं कल अगर कोई पूछता है कि रशीद कुरैशी कौन आ सकता जरा ये इस तक लाइन अंदाज से एक्सप्लेन पहले बच्चे को ले दाले भी नहीं रशीद कुरैशी ऐसे घुमान नजर लेने वाला एक आदमी आखते होने ना ही अपना सिर आप नहीं मंगता ये पुरानी कहावत है ना असि इतने मर गए थे इतने डेड हो गए थे जी हाँ रशीद कुरैशी साहब आपने मकाले में एक जगह फरमाया कि असि कुएं में चले गए थे असि सारे के सारे कुएं में जासी हैं शिक्षा को ना कर सकते किसी को कि फलाने तू कुएं में जासी है तू आसी है तू आसी ना सब दे सब असि कुएं में जासी
8 आदमी 10 आदमी 12 आदमी जे पहले काफले दे लोग का सनालो गुजर के गए दिन निखर के गए दिन इन 10 12 आदमी दी कुर्बानी को याद इस वास्ते ऐसा कीता कि कम से कम इन आली नसल को ये इन आले नौजवानों को ये पता लगने चाहिए कि नूरान कुरैशी कौन आ सा पता लगने चाहिए सैफ अली खान कौन आ सा पता लगने चाहिए मकबूल खान कौन आ सा सरदार ला का कंधेता बिशकार ग्राउंड के बगैर किसी टाटा के बह रहने वाला आदमी और बेंचो बजाने वाला आदमी मकबूल खान आ सा मदरसा साहब इसे लिए सब इंस्पेक्टर नास्ते हैं तब फखर है अस्ते बच्चे मारे हाल में एक गुआरा भी कर लगे बिशकार छिड़का ले अपना फन पेश की दिया अस्ते सरदार ला का बगैर टाटा के बगैर किसी इससे मैं मकबूल खान वो शख्स मकबूल खान एक चलता फिरता बैंक का रास्ता हर तरफ का मोहताज इंसान हर शोबे में मोहताज इंसान ऐसे लोगों को याद कर सी बुलाओ जब तक ना असी ऐसे ऐसे प्रोग्राम नकद कर सा जब तक ना इन्हों को असी याद कर सा आलम साहब जैसी शख्सियत के बारे में पूरा दिन तुसा सुने लुकमान राय और शख्स आसा के एसपी का ऐलान हो गया एसपी का ऐलान हो गया आज तक मैं अफसर में भी 30 मार खान मैं भी बहुत कुछ हाँ लेकिन किसी इंसान की किसी वक्त की गल की नहीं इंसान को बोलनी नहीं चाहिए लुकमान राय एक पहला आदमी आसा हेड मास्टर दो बन गए एक कुंडी वाला निजामदीन साहब हेड मास्टर बन गया एक बन गया जफर साहब मरोई वाला गबरे थी शबीर साहब काफला कैंप का आ रहा याद है कम से कम 6-7 मास्टर गबरे थी आ गए रात में मुगल पकड़ के रहे ए थाए जनाब अली चौक पे लुकमान राय ऐलान करता है हां बहुत बोतल ते ए दे दानो आन का सडो मारे मुगल साल मैं लेते थे समाज में कतल किसे मतलब किसे तरह ऐसी कम से कम कौन को ये पता लग गया कि इस एसटी वास्ते एक आदमी सुन अपनी जान सार रहे थे आज ऐसे हम करें नाम पहले असी बदल जानते हैं मतलब ये तो देखते हैं क्या बता ऊंची आवाज में असी कोई गाना सुनना नहीं चाहिए इन चीजों को जगाने वास्ते ये दिन जो होने बड़े ये होने जरूरी होने कम से कम नौजवान बच्चे जो नए आ रहे हैं उन्हें कोई पता लगना चाहिए कि असली एंसेस्टर्स या असली पिशु इस काफले के लोग कितनी मेहनत कर करके वो मेहनत करने की जरूरत नहीं की कि हर एक इंसान का सारे सरोज की बात सुन लिया तो तू बकाया अरे आदा नहीं अलबत्त मैं नहायती मशहूर हाँ सब बुजुर्ग का सब भ्रावान का कि अगर पिछा सारे तावले हो गए ऐसे ना ही होने इस चीज मतलब मौके की कार थी हो मिसाल गाना बजाना मौके आता उठ के नहीं लेकिन मैं नहायती मशहूर हाँ बड़े दिलचस्पी ना बड़े मतलब गौर ना तो समझो लोगों सुन एक महफिल सजाई और उन लोगों को खुदा ने अकीदत पेश की था लिहाजा सारे को मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम और अंजुम का शुक्रिया।